गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे लेट्स टेक द पेज नंबर 89। पेज नंबर 89, टुडे डेट्स 7। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर सी। फर्स्ट ऐड देन मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, फर्स्ट ऐड एंड देन सेम। फर्स्ट ऐड देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऐड देन मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहां देखिए कितने थ्री है, 1 2 3 4, 4 times 3 3 है, 3 3 3 1 2 3 then 4, कितने टाइम्स है, 4 times, 3 plus 3 plus 3 plus 3 इक्वल। अब ये 3 3 3 3 को जोड़ने से कितना आता है, या किसी के लिए हार्ड होने से आप क्या करेंगे, इस तरह करेंगे 1 2 3। ओके, फिर ये 3 1 2 3। ठीक, फिर इसका 3 1 2 3 देन 1 2 3। अब ये लाइनिंग जो है इसको एक साथ मिला देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लाइन्स है, 12। अब 3 plus 3 plus 3 plus 3 equal 12। ओके, अब इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 times 3 3 है तो 4 यहां लिख लेंगे, फिर क्या इनटू, अब हम किसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बच्चे, 3 का। यस, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3। अब इक्वल कर देंगे। अब 3 का टेबल बोलना है कितने बार, 4 बार। अब 3 का टेबल बोलिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। यस, वेरी गुड, 3 4 जा 12। अब ये 3 को 4 टाइम्स ऐड करने से भी 12 आता है, और 3 का टेबल हम 4 बार लेते हैं तो भी 12 आता है। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया, एडिशन। ठीक, अब यहां लिखेंगे क्या, 4 times 3 is 12, 1 2 3 4, 4 times, 4 times क्या होगा, 3, 4 times 3 is 12। ठीक, समझ में आ जाएगा ना। ओके, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4 plus 4 plus 4 plus 4 इक्वल, कितने बार 4 4 है, 1 2 3 4, 4 times। अब इसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये लाइनिंग जो है इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या है, 16। ये लाइनिंग को मिलाने से कितने आ रहे हैं, 16। अब हमें पता है कि 4 plus 4 plus 4 plus 4 इक्वल कितने होते हैं, 16। अब इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, 4 times है इसलिए हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, इनटू। अब हम किसका इनटू करने जा रहे हैं, किसका गुणा करने जा रहे हैं, किसका, 3 नहीं होगा, ये तो इसका है 3, यहाँ पे किसका होना है, या वेरी गुड, 4 का है इक्वल। अब 4 का टेबल हम कितने बार बोलेंगे बच्चे, 4 का टेबल 4 टाइम्स बोलना है। यहाँ हम क्या किए थे, 3 का टेबल
कितने बार बोले थे? 4 times. अब यहां हमें क्या करना है? 4 का टेबल 4 टाइम्स बोलना है. ओके, कम ऑन, से द टेबल. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. यस, वेरी गुड. 4 4 जा 16. अब यहां क्या होगा? 4 times is, sorry, 4 times 4 is 16. ये क्या है आंसर? क्यों हम यहां लिखे हैं 4 times 4 is 16 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो 4 है, 1 2 3 4, ये 4 times आए हैं. एक बार, दो बार, ये तीसरा बार, ये चौथा बार. तो इसी को मिला के हम यहाँ क्या लिखे हैं? 4 times, यानी कि 4 बार. 4 is 4 बार. 4 को किए तो कितने आए आंसर? 16. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. दिस इज योर होमवर्क. 3 and 4 होमवर्क. देन लुक एट द क्वेश्चन नंबर डी. इज इट क्लियर एवरीवन? मे आई रन? यस. शैल आई रन? ओके, देन लुक एट हियर. फर्स्ट डी नंबर, क्वेश्चन नंबर डी, मल्टीप्लाई. क्या है मल्टीप्लाई? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 1 ए कितने बॉक्स है? 1 2 बॉक्स है ना? 1 2 बॉक्स. अब ये 2 बॉक्स में कितने बर्ड्स नहीं है, बटरफ्लाई. ये बटरफ्लाई कितने हैं? 3 3. इस ग्रुप में क्या है? 3 3 बर्ड्स, सॉरी बटरफ्लाई. 1 बॉक्स 2 बॉक्स. ओके, 1 बॉक्स 2 बॉक्स. 1 बॉक्स में कितने हैं? 1 2 3. देन सेकेंड बॉक्स में 1 2 3 बॉक्स. ओके, अब यहां देखिए, 1 2 2 बॉक्स है, इसलिए हम क्या लिखे? 2 लिखे. इन टू कितने का हम करेंगे? 3 का लिखेंगे, तो हम लिख दिए 3. 2 बॉक्स है ना, 2 बॉक्स है, इसलिए हम क्या कर दिए? 2 लिखे. फिर इन टू हम किनका हम टेबल बोलने जा रहे हैं, किनको हम बताने जा रहे हैं कि इसका दुगुना है करके? 3 का. यस, वेरी गुड. क्यों हम 3 लिखे? क्योंकि 3 ही बटरफ्लाई है. अगर वहां पे 4 रहने से हम क्या लिखते? 2 बॉक्स रहता, और प्रत्येक बॉक्स में 4 रहने से हम क्या लिखते? 2 into 4 लिखते. लेकिन वहां पे 4 बटरफ्लाई नहीं है. यहाँ कितना बटरफ्लाई है? ओनली 3. तो हम क्या लिखेंगे? 2 into 3 equal. अब इसका टेबल बोलेंगे किसका? 6 का. कितने बार बोलेंगे? 2 times. Say the table of 3. Yes. 3 1 जा 3. 3 2 जा 6. 3 2 जा 6. Very good. ये कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ओके चिल्ड्रेन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके देन चिल्ड्रेन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.